हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार, मेरे पीछे आपको बहुत बड़ी एक गाड़ी दिखाई दे रही होगी, मॉन्स्टर कार है ये। बेसिकली आज हमारा जो पर्पस है इस कार का, वो हम इसका ऐसा कोई रिव्यू नहीं करने वाले। ये गाड़ी आपको मैंने दिखाई है, आपके लिए बहुत बड़ा शॉकिंग सरप्राइज़ नहीं होने वाला, लेकिन हाँ, शौक आपको यहाँ पर ये लगने वाला है कि गाड़ी को जैसा हमने आपको दिखाया है वैसी ये गाड़ी अब बिल्कुल भी नहीं है। गाड़ी के अंदर ज़बरदस्त चेंजेस किए गए हैं। कहीं ना कहीं मैं बोल सकती हूँ कि व्हीकल थोड़ा सा अंडररेटेड है, लोग अच्छे से इसकी कैपेबिलिटीज़ को पहचान नहीं पाए हैं। और जिस टाइप की ये गाड़ी है, ऐसी गाड़ियों का ट्रेंड इंडिया में अब स्टार्ट हो चुका है। पहले भी कुछ कंपनीज़ को बनाती थी, लेकिन अब अलग अलग ब्रांड इस चीज़ को ट्राई करने लगे हैं। और बहुत बड़ा इनिशिएटिव यहाँ पर हम बोलेंगे टोयोटा का है। आज यहाँ पर हम इस वीडियो के थ्रू आपको दिखाएंगे कि इस गाड़ी पे आप किस लेवल का मॉडिफिकेशन करा सकते हैं, किस लेवल पे इस गाड़ी को ले जा सकते हैं। SUV मॉडिफिकेशन मैंने आपको बहुत दिखाए हैं, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख के भी मॉडिफिकेशन हम आपसे शेयर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैसिव अराउंड 80 लाख का मॉडिफिकेशन हुआ है। 80 लाख रुपये किस किस चीज़ में लगे हैं, इस गाड़ी की जो कैपेबिलिटी है उसको किस लेवल पे इंक्रीज किया गया है, ये वीडियो है आज उस चीजों के ऊपर बेस। तो लेट्स सी कि कौन सी गाड़ी है और उस गाड़ी के अंदर क्या खतरनाक काम किए गए हैं। तो चलिए अब करते हैं इस कार को अनवील। 1, 2 एंड 3। हाइलेक्स जो गाड़ी हम आपको बता रहे हैं, हाइलेक्स को आपने बहुत बार देखा होगा, हमने हमारी नज़रों से भी देखा होगा। आपको हमने इसकी ऑफ रोडिंग दिखाई, आपको हमने इसका इंटीरियर दिखाया, एक्सटीरियर दिखाया, इंजन एक्सप्लेन किया, लेकिन हाइलेक्स का ये वाला फेस आपने अभी तक नहीं देखा होगा। इनफैक्ट मैं भी आपके साथ शॉक हो गई हूँ कि यार गाड़ी के अंदर क्या ज़बरदस्त मॉडिफिकेशन कराया गया है। अगर मॉडिफिकेशन हम आफ्टर मार्केट कराते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर कंपनी अपनी कार को मॉडिफाई करके आपको दिखाया, दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। तो चलिए देखते हैं कार के अंदर हुआ क्या क्या है। एंड सीरियसली, सबसे पहले तो मैं आपको चीज़ बता दूं कि मेरे को एकदम ऐसा लग रहा है कि भैया बिल्कुल भगवान ने हाइट ही नहीं दी है। I am 5'5", स्टिल मुझे एकदम बच्चे जैसा फील हो रहा है कि खिलौने की तरह खड़े हैं हम इस व्हीकल के सामने। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि इसके फ्रंट में क्या क्या हुआ है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर बम्पर की। यहाँ पर जो बम्पर यूज़ किया गया है, ये ARB कंपनी का ब्रांड है, जो हमारी ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, और वर्ल्ड क्लास फेमस बम्पर का यहाँ पर यूज़ किया गया है। और आप इसकी डिज़ाइनिंग देख सकते हैं, इट इज़ लुकिंग सुपर क्लासी। सेकेंड हम लोग बात करेंगे इन ऑक्सिलरी लाइट्स के बारे में। ये हमारी नाइट हॉक कंपनी की लाइट्स है और ये आपका USA का ब्रांड है। और अगर आप प्राइस की बात करेंगे तो दीज आर ऑल्सो सुपर एक्सपेंसिव। और यहाँ पर भी आपके पास पूरा लाइट का सेटअप दिया गया है, जैसे आप ये देख रहे हैं, आप टॉप पे देख सकते हैं, आपको साइड्स में दिया गया है। आपको हम लाइट्स ऑन करके दिखा देते हैं ताकि अगर आप नाइट सफारी कर रहे हैं या जंगल सफारी कर रहे हैं तो उस टाइम पर आपको क्या थ्रो मिलने वाला है आप बहुत क्लियरली देख पाएंगे। तो चलिए अब आपको थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ कि लाइट्स ऑन होके आपको इतना ज़बरदस्त थ्रो देने वाली है, चाहे आप नाइट सफारी कर रहे हैं, जंगल में कहीं फंस गए हैं, तो ये लाइट्स आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होने देगी। और अगर आपने ऊपर की लाइट्स भी ऑन कर ली, फिर तो बस लेवल ऑफ विजिबिलिटी आपको लगेगा ये दिन ही हो गया है मेरा। तो ये यहाँ पर लाइट्स लगी है, जो आपको मैंने बताया कि ऑक्सिलरी लाइट्स इनको बोला जाता है, नाइट हॉक कंपनी की है, जो हमारा USA का ब्रांड है। नीचे के साइड में आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको हिंज दिया गया है, टर है इसका, जिसको आप दूसरी कार के अंदर टक करेंगे और उस गाड़ी को आप इजीली यहाँ पर मोटर की हेल्प से अपनी तरफ खींच सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ये तो फंसेगी नहीं कि भैया इसको कोई और निकाल देगा, इसको तो निकालना मुझे बिल्कुल असंभव लग रहा है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन यस, कोई और गाड़ी अगर फंस गई है तो वो इस कार के लिए निकालना बहुत ही ज़्यादा सुपर ईजी है। और ये गाड़ी बिना मोटर के भी खींच सकती है, लेकिन यहाँ पर मोटर प्लेस की गई है तो वो आपका काफ़ी ज़्यादा इस कार के एफर्ट को कम कर देगा। तो अगर हम इस बम्पर की बात करते हैं तो इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही है। नंबर वन, आपको मैंने बताया कि ARB कंपनी का है, लाइट्स हमारी USA की कंपनी का है। यहाँ पर जो आपको ये हिंज मिल रहा है, ये भी आपका बम्पर का पार्ट है। एंड यहाँ पर आपकी मोटर प्लेस की गई है और आपकी फ्रंट से गाड़ी कुछ ऐसी दिख रही है। गाड़ी ज़बरदस्त लिफ्ट की गई है, वो आपको एक्सप्लेन करूँगी मैं इसके साइड पर। और बाकी अंदर से कार हमारी जो गाड़ी का सोल है, दैट इज़ सेम। आपको यहाँ पे टोयोटा की बैजिंग मिल जाती है, प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पर ही आपको इस बम्पर के अंदर ही आपको फॉग लैम्प दिए गए हैं और यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइट दी गई है।
चलिए अब मूव करते हैं कार के साइड प्रोफाइल पे और देखते हैं यहाँ हमें क्या क्या चीज़ें ऑफर की गई है। सबसे पहली चीज़ जो आपके नोटिस में आएगी वो आएंगे ये ह्यूज मॉन्स्टर साइज टायर्स, और ये फ्यूल कंपनी के अलॉयज़ का यहाँ पर यूज़ किया गया है, और टायर का साइज़ देख सकते हैं। और इन टायर्स को देखकर आपको क्लियरली पता चल रहा है कि यार आप इस गाड़ी को किसी भी टेरेन पे लेके जा सकते हैं बिना किसी टेंशन के। आपको लग रहा है कोई चीज़ इसको रोक पाएगी? कोई रॉक आपको जहाँ मर्जी इस गाड़ी को चढ़ाना है आप बिना सोचे समझे से कर सकते हैं। इसके पीछे आप नोटिस करेंगे तो देखिए आपको ये पूरा सेटअप दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर लिफ्ट किट लगा हुआ है। इस कार को 6 इंच तक लिफ्ट किया गया है। एक और चीज़ जो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि आपको साइड क्लैडिंग बॉडी कलर में यहाँ पर ऐड की गई है। आपको बोल्ट्स दिए गए हैं ताकि गाड़ी का जो लुक है वो थोड़ा और रगेड लगे, थोड़ी गाड़ी और रफ लगे हमारी। पीछे की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर ये आपके सारे स्टिकर्स हैं, और आप देखेंगे इस साइड तो यहाँ पर आपको ORVM दिखाई दे रहा है। हर कार के अंदर होता है दोस्त, लेकिन ये बहुत स्पेशल ORVM है। इन दोनों ORVMs की कॉस्ट 1.5 लाख रुपये है, और यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो देखिए आपको 2 मिरर दिए गए हैं। ऊपर वाला आपका नॉर्मल है और नीचे वाला आपका वाइड एंगल के लिए है, ताकि जो आपकी विजिबिलिटी है, जो आप पीछे की साइड में देखना चाहते हैं, वो आपकी फुल ऑन हो, गाड़ी के ऊपर कंट्रोल आपको फुल ऑन फील हो। यहाँ पर आपका ऐड किया गया है रेन वाइजर्स। नीचे के साइड में आप देखेंगे तो आपको स्टेप पैडल दिया गया है, जो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अगर नहीं होता तो भैया इस कार के अंदर चढ़ना आपके लिए असंभव हो जाता, बहुत इम्पॉसिबल हो जाता। आपको मैं ऊपर जाके बताती हूँ कि इस कार में ऊपर क्या हुआ है। ऊपर के साइड में हमारा कैरियर प्लेस किया गया है, ताकि अगर आपका कोई सामान है आप उसे रख सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ होल्डर्स दिए गए हैं जो इसको फंसा लेते हैं। मुझे इस गाड़ी को देख देख के दिमाग मेरा घूम गया, मेरे को वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। और गाड़ी में मुझे यहाँ पे खड़े होने में मज़ा बहुत आ रहा है। वाह, किस हाइट पे हूँ मैं। इस गाड़ी को जो चलाने में ना अपना ही फन है, सीरियसली। चलिए जी, अब बात करते हैं, थोड़ा और पीछे की साइड मूव करते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हम आप डोर हैंडल्स को देखेंगे तो ये भी आपको बहुत डिफरेंट लगने वाले हैं। हम क्रोम में देखते हैं, हम बॉडी कलर में देखते हैं। यहाँ पे इसको फुल ऑन ब्लैक किया गया है, टोयोटा की बैजिंग दी गई है और बहुत अच्छी सी डिज़ाइनिंग दी गई है, जो इस कार के ओवरऑल लुक को काफ़ी जस्टिफाई कर रही है। और जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे टेपिंग की गई है, स्टिकर्स का कुछ यूज़ किया गया है, उसको थ्रू आउट द लेंथ मूव किया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है। वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन ओवर दिस रेड इज लुकिंग सुपर स्टनिंग। टेल लैम्प्स की अगर आप बात करेंगे तो टेल लैम्प्स आपके सेम हाइलेक्स वाले हैं, लेकिन यहाँ पर ये कवरिंग वाला पार्ट ऐड किया गया है, जो अगेन गाड़ी को काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। गाड़ी ना काफ़ी बोल्ड लग रही है। आप ये मैं नहीं बोलूँगी छोटी छोटी चीज़ें की गई है, चीज़ें बहुत ब्रॉड की गई है, बड़ा अच्छा खासा पैसा खर्च किया गया है। लेकिन अगर इन डिटेल्स की भी बात करें ना, तो गाड़ी को एकदम से एक अलग लेवल का लुक दे रहा है। साइड से अगर मैं बात करूँ, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इस तरीके से स्टिकर्स को मूव किया गया है, और अगर सपोज़ ये प्लेन होता तो शायद इतना मज़ा नहीं आता। तो ये थोड़ा सा एक किट ऐड करने की वजह से आपको थोड़ा सा गाड़ी में और ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। आ जाते हैं इसके बैक पे। अब देखिए यहाँ पर आपका जो लोअर बम्पर है, इसको चेंज किया गया है, लोअर बम्पर ऐड किया गया है यहाँ पर, जो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है। यहाँ पर आपको हिंजेस मिल जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगेन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि इसे तो कौन ही खींचेगा, ये खींच लेगा भैया जिसको ज़रूरत है। ये अब हमारी गाड़ी नहीं रही है, हमारा ट्रक बन चुका है। अब चलते हैं इसके अंदर। यहाँ पर आपका कैमरा होता है, हाइलक्स में आपको यहाँ पर कैमरा दिया गया होता है। और अब चलते हैं इस कार के अंदर। ये आपकी बैक लाइट है, ये थोड़ा सा यहाँ पर पार्ट ऐड किया गया है, जो गाड़ी को काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। देख सकते हैं आप इसे, आपको ऐसा लगेगा कुछ रफ सा कुछ है ये, काफ़ी अच्छा कुछ प्लास्टिक में ऐड किया गया। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, आई थिंक कुछ फाइबर कुछ है ये। अब आता है सवाल कि आपको इसके अंदर जाना है तो मैं कैसे जाऊँगी? भैया मैं तो इसके ऊपर नहीं जा सकती, यहाँ पे आपको कुछ स्टूल वगैरह कुछ चाहिए तभी आप जा पाओगे। मैं तो छोटी सी रह गई हूँ, मैं इसको एंटर नहीं कर सकती। आप यहीं से देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही है। यहाँ पर इन्होंने अभी तो 2 स्पेयर टायर को प्लेस किया है, कि अगर इनके टायर्स को कुछ हो जाए, ऐसा तो इन टायर को भगवान ही, पता नहीं मुझे कौन क्या कर सकता है। बट आई थिंक ये गाड़ी अभी जिस तरीके से बनाई गई है, तो उसमें अगर कुछ हो जाता तो उसके लिए कंपनी ने ये प्लेस किया है। या फिर आप इससे ये भी आइडिया ले सकते हैं कि यू हैव इनफ ऑफ स्पेस, इस गाड़ी में आप पीछे के साइड में बहुत सारा सामान कैरी कर सकते हैं। और जो अगर आप इसमें पार्ट देख रहे हैं कि जो आपके स्पेयर टायर को होल्ड करने का, ये भी सारा हमारा मॉडिफिकेशन का पार्ट है, कि अगर आप इस तरीके से कुछ लेना चाहते हैं, सपोज़ आप एक टायर और होल्ड करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके का पूरा ये कंट्रोल बार ले सकते हैं, जिसके ऊपर आपका टायर जो है वो अच्छे से अटैच हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि नीचे की साइड में वी हैव द ऑप्शन टू कीप आर स्पेयर टायर।
लेकिन इन टायर्स को हम नीचे नहीं लगा सकते क्योंकि गाड़ी उस हिसाब से जो नीचे का हमारी फिटिंग्स हैं इतना वेट नहीं ले पाएगी वहाँ पे। आपका ये जो स्पेयर टायर का साइज़ है छोटू सा वही लग सकता है, वो भी खैर छोटा नहीं होता हाइलेक्स का, लेकिन इस टायर का प्लेसमेंट आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा अगर आप इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट अपनी गाड़ी में करने के मूड में। और देखिए ये मॉडिफिकेशन देख देख के ना मुझे हाइलेक्स से प्यार हो गया है कि इस लेवल का काम सीरियसली माइंड ब्लोइंग है। और जो हमें सबसे बड़ी दिक्कत होती थी ना अपने स्पेयर टायर, अगर बिग बिग साइज़ के हम लोग टायर्स लगवाते थे वहाँ पर एक लिमिटेशन थी कि हम इतना ही टायर का साइज़ कैरी कर सकते हैं, इतना ही टायर का वेट कैरी कर सकते हैं, लेकिन हाइलेक्स के साथ हमारी वो लिमिटेशन गायब है। इनफैक्ट इस गाड़ी के अंदर अगर मैं बोलूँ कि मॉडिफिकेशन को लेकर कोई लिमिटेशन है, देन द आंसर इज़ नो, कोई लिमिटेशन नहीं है भैया। आप हर उस लेवल का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जितना आप सोच सकते हैं, जितनी आप सोचोगे उतनी चीज़ें ही आपको करके दे देगी। बैक साइड में आपकी कुछ चीज़ें और ऐड है, जैसे आपको लाइट्स दिख रही होंगी पीछे के साइड में, बैक के लिए आपको लाइट ऐड की गई है। ये जो हमारा पार्ट है ये पूरा मॉडिफिकेशन का पार्ट है, आपका फुल ऑन हार्ड मटेरियल यहाँ पर ऐड किया गया है जो गाड़ी को लुक भी दे रहा है और ज़्यादा रिजिड भी बना रहा है। एक और चीज़ जो हमने अभी आपको नहीं बताई है वो है हमारा ये स्नॉर्कल जो यहाँ पर ऐड किया गया है, जिसकी वजह से गाड़ी की जो पानी में जाने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 6 इंच ऑलरेडी लिफ्टेड है ये, उसके बाद भी फर्दर आप इसको पानी के अंदर लेके जा सकते हैं और वहाँ आपकी हेल्प करेगा ये स्नॉर्कल। चलिए एक बार इसका बूट कर देते हैं क्लोज और चलते हैं कार के इंटीरियर में, वहाँ पर आपको क्या क्या मिलने वाला है। चलिए अब रियर की बात करते हैं। रियर में सबसे पहले आप सीट बेल्ट देख लीजिए, आपको ये रेड कलर में जैसे आपको मर्सिडीज़ की कार्स में मिलती है इस तरीके से आपको ये बेल्ट मिल जाएगी। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो हाइलेक्स में आपको लेदर अपॉल्स्ट्री ही मिलती है, लेकिन यहाँ पर इसको चेंज किया गया है, थोड़ा सा डिज़ाइन के साथ प्ले किया गया है, थोड़ी सी क्वालिटी को और इम्प्रोवाइज़ किया गया है और ये रेड पैटर्न ब्लैक के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगने वाला है और ये रेड स्टिचिंग भी आपको बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगेगी। डोर पैनल की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप ये देख सकते हैं ये बहुत स्मार्ट यहाँ पर पैटर्न ऐड कर दिया गया है, नीचे के साइड में भी इसको ऐड किया गया है, बाकी ऑलमोस्ट हमारी सारी चीज़ें सेम हैं। फ्रंट डोर में भी सेम आपका ये रेड एंड ब्लैक पैनल ऐड किया गया है जो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है। आपको चारों हाइलेक्स के अंदर पावर विंडो मिलती है, सिंगल टच अप एंड डाउन एंड एंटी पिंच फंक्शन के साथ आती है। आप अपने डोर्स को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, विंडोज़ को लॉक कर सकते हैं और ये है हमारे ORVM कंट्रोल। सीट एडजस्टमेंट की अगर आप बात करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट है ड्राइवर साइड पे भी एंड पैसेंजर साइड पे भी। चलिए आप देखते हैं इसका कैबिन। और सबसे पहले आपको मैंने बताया इस गाड़ी में जाने के लिए सबसे ज़बरदस्त जो ज़रूरत है ना, इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि टोयोटा को एक स्टेप पैडल पीछे भी लगा देना चाहिए था, बहुत मुश्किल है भैया उसमें एंटर करना, मगर उसे लगाने से फ़ायदा कैसे होगा, वो खुल जाएगा इतना लंबा। एक स्टेयर ऐड कर देनी चाहिए, लेट सी कंपनी क्या डिसाइड करेगी, अभी मैं अपना स्ट्रगल देख लूँ इसके अंदर जाने का। तो जो ये ग्रैब हैंडल हम बहुत कम यूज़ करते हैं अपनी कार में वो आप इस कार में बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। नाउ लेट सी इंटीरियर में हमारे क्या क्या काम हुए। सबसे पहले हम लोग डैशबोर्ड लेआउट की बात करते हैं। यहाँ पर आपको ये रेड एलिमेंट दिखाई दे रहा होगा जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है, सेम सिमेट्री मेंटेन की गई है। अगर आप ऐसे एकदम एक लुक लेंगे तो आपको डोर पैनल पे भी वही डिज़ाइन दिखाई दे रहा है जो आपका कैरी फॉरवर्ड किया गया है डैशबोर्ड पे एंड टुवर्ड्स दिस डोर एज वेल। तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है इसकी वजह से, ये बहुत स्मार्ट डिज़ाइनिंग का यूज़ है। अदरवाइज़ हम लोग देखते हैं कि या तो वुड में हम देखते हैं ज़्यादातर या फिर ब्लैक पियानो फिनिश में देखते हैं, ये अच्छा एक्सपेरिमेंट है, अच्छा मूव है, अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर आपका इंफोटेनमेंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं है, नीचे आपका AC कंट्रोल भी आपको सेम दिया गया है। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है, ट्विन कप होल्डर है, गियर नॉब को भी आपके चेंज किया गया है, यहाँ पर भी आपका ये रेड वाला पार्ट ऐड किया गया है और नीचे भी इसको ऐड किया गया है। और ये है हमारा स्टीयरिंग, ये आपका कंपनी स्टीयरिंग है जिसको कार्बन फाइबर इसमें ओरिजिनली यूज़ किया गया और ये सेम स्टीयरिंग मैंने अपनी गाड़ी के अंदर भी लगवाया है। आई एम वेरी मच हैप्पी कि यार टोयोटा ने चीज़ें कराई हैं, बहुत महंगी महंगी चीज़ें कराई हैं और मैंने इन सारी चीज़ों में से दो चीज़ें मेरे पास भी हैं। और अगर मैंने वीडियो भी नहीं डाला है तो बहुत जल्दी आ जाएगा जिसमें आपको इंटीरियर में मैंने क्या क्या चीज़ें कराई है वो दिखाऊंगी मैं। और बाकी हमारा सब कुछ स्टॉक है, आपको इस तरीके से एनालॉग मीटर्स मिलते हैं इस कार के अंदर, जैसे आपका ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्पीडोमीटर है, आपका RPM मीटर है, बीच में आपका MID स्क्रीन है जहाँ पे आपको बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपका ट्रिप क्या है, डायट्रॉनिक्स क्या है, आपका फ्यूल इकोनॉमी क्या है, एवरेज क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से बहुत क्लियरली देख सकते हैं। तो दोस्त ये थी हमारी टोयोटा हाइलेक्स जो गाड़ी अभी तक हमने देखी और हम लोग इसे बोल देते हैं कि यार थोड़ा अंडररेटेड व्हीकल है, इतना ज़्यादा इसे पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी ज़बरदस्त मॉडिफिकेशन आप अपनी कार में करवाते हैं
देन इट बिकम्स अ हेड टर्नर. आप इसको डेफिनेटली पसंद करने वाले हैं. इस गाड़ी को कोई पलट के ना देखे, ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है. और सीरियसली मुझे प्यार हो गया है, हाइलेक्स लवर हम भी बन गए हैं आज से कि हाँ यार इस लेवल का मॉडिफिकेशन हम लोग थार वार में देखते हैं यार, लेकिन लिमिटेशन है वहाँ पे, हर चीज़ की लिमिटेशन है. इस गाड़ी का मॉडिफिकेशन देखकर मुझे लिमिटेशन वर्ड तो लग रहा है कि इसके लिए तो एप्लीकेबल नहीं है. नेक्स्ट लेवल का यहाँ पर काम कराया गया है. और अगर आप हाइलेक्स लेने के मूड में हैं या हाइलेक्स लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये सब एक्सपेरिमेंट ज़रूर कीजिएगा, ये प्ले ज़रूर कीजिएगा इस गाड़ी के साथ, मज़ा आ जाएगा आपको, बिलीव मी. और जाते जाते एक चीज़ आपको ज़रूर बताएंगे कि ये जो गाड़ी हम आपके लिए आज लेके आए हैं ये उन कार एंथुजियास्ट, उन कार लवर्स के लिए है जिनका ऑफ रोडिंग पैशन है, जो गाड़ी से दिलो जान से प्यार करते हैं, उन्हें इस गाड़ी को देखकर प्यार ना हो ये तो इम्पॉसिबल है भैया. नेक्स्ट लेवल का काम किया गया है. एंड टोयोटा हाइलेक्स अगर आप अभी तक नहीं कंसिडर कर रहे थे तो अब कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप अपनी गाड़ी में करा सकते हैं. और तब तक के लिए आप सबको पता है क्या करना है, अपना बहुत सारा ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे. लव यू ऑल.